नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिनभर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। जबरन धर्मांतरण पर राज्यसभा में चौथे दिन भी गतिरोध। सदन में मौजूदगी के बावजूद प्रधानमंत्री ने नहीं तोड़ी चुप्पी। अपनी अपनी शर्तों पर काम पक्ष-पक्ष। सरकार ने कहा नहीं बढ़ेंगी जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें। लोकसभा में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री का बयान। 615 जरूरी दवाएं मूल्य नियंत्रण के दायरे में। आतंकवाद पर पाकिस्तान का दोहरा रवैया। 26/11 के मुंबई हमले के सरगना जकीउर रहमान लखवी को जमानत। ऊपरी अदालत में चुनौती देने की भारत की मांग। सबसे वजनी जेएसएलवी मार्क 3 का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण। क्रू मॉड्यूल का टेस्ट सफल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। पहाड़ों में बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ा शीतलहर का प्रकोप। लेह और करगिल में तापमान पहुंचा 0 से 14 डिग्री नीचे। 52 ट्रेन ने लेट। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। राज्यसभा में आज चौथे दिन भी गतिरोध जारी रहा। सभापति की सरकार और विपक्ष के बीच चर्चा कराने की कोशिश भी नाकाम साबित हुई। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार ने जहां गृहमंत्री के बयान की शर्त दोहराई, वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री की मौजूदगी में और ज्यादा आक्रामक नजर आया। जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्यसभा में आज फिर कोई कामकाज नहीं हो सका। सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी के मद्देनजर विपक्ष ने अपनी मांग को और जोरदार तरीके से उठाया। पक्ष विपक्ष दोनों की मांग को देखते हुए सभापति ने नियम 267 के तहत प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा की मांग को मंजूर भी कर लिया। One request has come. The honorable leader of the house has said that from their side they do not have any problem with it. So I assume that there is broad consensus about this matter. सभापति की चर्चा शुरू करने की अपील पर विपक्ष तैयार भी हो गया, मगर सरकार ने सिर्फ गृह मंत्री की ओर से जवाब देने की अपनी शर्त को फिर दोहराया। Let us start the discussion and the reply will be given by the home minister that has been offered 3 days. संसदीय कार्य मंत्री के इस बयान को सुनते ही विपक्ष बिफर पड़ा और विपक्ष ने सरकार पर हठधर्मिता के आरोप लगाने शुरू कर दिए। अपने प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करो, वो जवाब दे सकते हैं, बोल सकते हैं। आपके साथियों की जरूरत नहीं है देश के प्रधानमंत्री को। देश हित में, जनहित में इस मुद्दे को लेकर खास तौर से के ये विपक्ष जो ये डिमांड कर रहा है वही चर्चा हो रही है। अपनी बात रखें और माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दे, तो इसको प्रेस्टेज इशू नहीं बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ऐसा बैठ जाइए ऐसी बात रख दे जिससे भीतर और बाहर शरद जी बैठ जाइए। बार बार प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष अड़ा रहा और नियम 267 के तहत प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा कराने का मौका भोजन अवकाश के साथ खत्म हो गया। For this reason or that reason, precious time has transpired. It's now 1:00. Does the House wish to adjourn for lunch or continue this discussion? दोपहर 2 बजे आसन की तरफ से चर्चा शुरू कराने की फिर कोशिश हुई, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने रुख पर कायम रहे। आखिरकार उपसभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप श्रीवास्तव साहब हैं। प्रदीप, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो राज्यसभा में जिस तरह का स्टेटमेंट दिख रहा है, असल में क्या विकल्प, क्या रास्ता दिख रहा है आगे? क्या यूं ही रहेगा या मैं कहूं कि जो बैठकें बची हुई हैं कोई नतीजा नहीं निकलना है? मुझे तो ये लग रहा है कि अब इसका कोई नतीजा निकलेगा। दोनों पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं है। दोनों पक्ष अपने अपने मत पड़ा है और दोनों के साथ अपने अपने कंपल्शंस हैं, पॉलिटिकल मजबूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि विपक्ष जो है वो जबरन आ रहा है या सरकार जो डिनाई कर रही है कि पीएम का इस पर बयान नहीं हो गया, पीएम से आप हमको डिक्टेट मत कीजिए। तो दोनों में, दोनों के जो अपने मुद्दे हैं, दोनों के लिए दोनों परेशानी का कारण है। विपक्ष के लिए परेशानी का कारण ये है कि विपक्ष सवाल यह जबरन धर्मांतरण का नहीं है। सवाल ये है कि आप स्वाधिक निरंजन ज्योति के बयान से देखें, अभी तक इवन आज भी कल भी एक जबरदस्त बयान आया कि 2021 तक जो है वो ईसाई हो, तो ये जो लगातार बयान आ रहे हैं और इससे जो निश्चित तौर पे देश में एक भ्रम फैल रहा है,
इसलिए भी फैला है कि बीजेपी को हिंदुत्व की पार्टी मानते थे तो ये माना जा रहा है कि हिंदुत्व का एजेंडा। अब भ्रम ये है कि ये जो हो रहा है ये गवर्नमेंट बैकअप कर रही है, मोदी जी बैकअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस भ्रम को तोड़ कौन सकता है। लेकिन जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मैं कहूं कि बिल अहम बिल हैं जो सरकार के आर्थिक एजेंडे को लेकर हैं, जिनको यहां पर रखना था, क्या होगा फिर उनके, क्या सरकार जिस तरीके का हाल है सरकार निगोशिएट नहीं कर रही या फ्लोर मैनेजमेंट उस तरह का नहीं देख रहा, या फिर आप कहें कि जिद बरकरार है? नहीं, सरकार निगोशिएट कर रही है। सरकार आज ही मैंने देखा वित्त मंत्री महोदय रामगोपाल यादव से अलग बात कर रहे थे, या फ्लोर कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग उससे चल रही है 3 दिन से। लेकिन इसका पॉलिटिकल विपक्ष के पास ये मजबूरी है कि विपक्ष ने एक साझा एकता तैयार की 8-9 पार्टियों की, अब वो जो है उसको वो तोड़ना नहीं चाहती है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि इस मुद्दे पे इसमें कोई सबको जो माइनॉरिटी का इशू है, जो माइनॉरिटी में भ्रम फैल रहा है, ये सारी पार्टियां आप देखेंगे तो इनके वोट बैंक में जो है माइनॉरिटी का एक बड़ा हिस्सा है, तो ये इतने वोट की उपेक्षा नहीं कर सकते, या ये मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज कि हम इस मुद्दे पर सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं। और देखिए एक और मजबूरी है, पहले की सरकार से सरकार में अंतर है, ये सेंट्रलाइज ज़्यादा है टुवर्ड्स पीएम। इस सरकार में मोदी जी जो फैला है या जो आप कह रही फैक्ट भी ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी की छवि पे है, और नरेंद्र मोदी सब जानता है कि जो ये कहेंगे वही सरकार करेगी या उसी पे पार्टी चल रही है इस समय। तो अब जैसे दिग्विजय सिंह ने बातचीत में बात कही हम लोग से कि होम मिनिस्टर का अगर हम लोग बयान है तो होम मिनिस्टर की वैल्यू क्या है, वो एक अपॉइंटमेंट तक नहीं कर सकते, मजाक में उन्होंने कहा कि उनकी तो ये भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रुख है विपक्ष का, पहल किसको करनी पड़ेगी, क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए जरूरी है कि सदन चलेगा तभी वो काम निपटा पाएंगे, तभी वो तमाम विधेयक और कानून जिनकी वो चर्चा हो रही है आर्थिक एजेंडे पर उसको आगे पास करा के लागू करा पाएंगे। देखिए परंपरागत रूप से देखे या कर्तव्य से रूप में देखे तो दोनों सदन चलाने की जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सरकार की होती है, और सरकार ही स्टेलमेट को दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन मजबूरी ये है कि बीजेपी के साथ भी मजबूरी है कि प्रधानमंत्री, उनकी ये नहीं मजबूरी है कि प्रधानमंत्री स्टेटमेंट देने से उनको नहीं परेशानी है, पीएम स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो सवाल आएंगे उससे वो बीजेपी वो नहीं चाहती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बीजेपी ने पीएम ने ऐसे स्टेटमेंट सौथी के बयान पर दे दिया था। तो आप करेंगे सवाल जो मैं कहूँ कि सफाई आएगी या फिर जो पीएम का जवाब होगा उसके बाद के सवालों को लेकर पार्टी ज़्यादा चिंतित है उससे पीएम। दूसरी चीज़ एक चीज़ और है, पीएम आज कमिट कर दें या आज राज्यसभा में बयान दे दें कि साहब ऐसे बयान नहीं आएगा, इस पर सरकार सख्ती से निपटेगी, लेकिन बीजेपी का जो बैकबोन है वो संघ है और ये जो बजरंग दल है और ये है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री की छवि को गिराने के लिए या उनको करने के लिए 2-4 बयान इस तरह। जिस तरीके स्टेटमेंट चल रहा है इसके बाद क्या होगा फिर अहम बिलों का, कोल को लेकर अगर कहा जाए और साथ ही साथ इंश्योरेंस बिल को लेकर कहा जाए, सरकार परेशान है इसको लेकर, सब मेनली सबसे ज़्यादा परेशान है वो इंश्योरेंस बिल को लेकर। कोल बिल के बारे में मुझे जहाँ तक जानकारी है वो ऑर्डिनेंस आ जाएगा, लेकिन क्या ऑर्डिनेंस का उतना इफेक्ट होगा जिस तरीके का नहीं होगा, लेकिन ऑर्डिनेंस आते रहे हैं, जब भी ऐसी बात हुई ऑर्डिनेंस तो एक अपॉइंटमेंट के लिए क्या आ गया था, इसलिए सरकार के लिए मुझे नहीं लगता है या पिछली सरकार के लिए ऑर्डिनेंस प्रॉब्लम नहीं है। इंश्योरेंस बिल पर जहाँ तक मुझे पता चला है कि मंडे को जो है वो एक बार कोशिश करेंगे, व्हिप जारी शायद बीजेपी ने किया है राज्यसभा के लिए, तो वो लेकिन अगर विपक्ष का जो आंकड़ा है, विपक्ष जिस तरह स्ट्रेंथ है राज्यसभा में, मुझे नहीं लगता कि अगर विपक्ष नहीं चाहेगा तो बिल जो है वो पास हो पाएगा। तो इंश्योरेंस बिल या कोल बिल या और भी कई तरह के बिल हैं वो हो सकता है कि सत्र में भविष्य आप करें कि अधर में दिख रहा है जिस तरीके का लोग जान दिख रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी इस पूरी बातचीत करें आपका। ये थी हमारी पहली खबर। मंत्रिमंडल से मंजूरी के बाद सरकार इसी सत्र में जीएसटी बिल लाने की तैयारी में है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि बिल भले ही पारित ना हो सके लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि बिल को इसी सत्र में लोकसभा में पेश किया जाए। गौरतलब है कि पिछले 7 साल से ये बिल लंबित है और मौजूदा एनडीए सरकार का दावा है कि अब उसने राज्यों को इसके लिए मना लिया है। अभी कैबिनेट ने कल पास कर दिया है और अब जैसे हम लोगों को समय मिलता है हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस सेशन में उसको पारित तो करना असंभव है, इसलिए अब अगले सत्र में इस पर चर्चा होगी और बहस होगा।
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लोकसभा में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने तो यहां तक दावा किया कि बीते 6 महीने में दवाओं की कीमतें कम हुई हैं। सरकार ने कुल 615 जरूरी दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में रखने की बात भी कही। लोकसभा में सरकार की तरफ से दवाओं की कीमत बढ़ने पर सफाई दी गई। रसायन मंत्री अनंत कुमार की तरफ से कहा गया कि नई सरकार आने के बाद कैंसर, एड्स और दिल से जुड़ी बीमारियों की दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में लाया गया है। उन्होंने बताया कि कीमतों के नियंत्रण के दायरे में 175 दवाओं को और शामिल किया गया है। ₹8,452.38 for 30 tablets, madam. It was earlier ₹8,500, madam. But now it is ₹8,452.38. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने भी ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले NPPA के उन दिशा निर्देशों को खत्म कर दिया जिससे दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो सकता है। बट ऑन 22nd of September, मैडम 2004, इंसिडेंटली और अदरवाइज फ्यू डेज बिफोर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट फॉर द यूएस ऑफ ए, दिस 29 May 2014 गाइडलाइन वॉज रिट्रैक्टेड बाय द गवर्नमेंट। कांग्रेस की ही सांसद रंजीता रंजन ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अमेरिका की दवा कंपनियों के दबाव में दवाओं के मूल्य नियंत्रण को खत्म कर रही है। 61 दवाइयों का जो पेटेंट अभी खत्म हुआ है, दोबारा पेटेंट होना है, हमारे मोदी साहब अमेरिका जाकर बात करके आए। सरकार ने सदस्यों को अगले साल तक जीवन रक्षक दवाओं की नई सूची तैयार करने का भरोसा भी दिलाया। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाई कोर्ट की पाबंदी के बाद ई रिक्शा से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में मंजूरी मिल गई और इस बिल के पास हो जाने के बाद ई रिक्शा चलाने के लिए व्यावसायिक लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। हालांकि सरकार की इस कोशिश पर विपक्ष ने राजनीतिक फायदे के आरोप जरूर लगाए। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लोकसभा से गुरुवार को पारित हो गया। इसमें दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में ई रिक्शा और ई कार्ट्स को व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस नियम से बाहर रखने का प्रावधान है। ये इंडिजिनियस है, स्वदेशी है और पोल्यूशन फ्री है, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि देश के 1 करोड़ लोग जो ई कार्ट, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा चलाने वाले हैं, उनको मुक्ति देकर उन सब गरीब लोगों को हम लोग अगर ये दे देंगे तो देश के इतिहास में गरीबों के लिए एक बहुत हिस्टोरिकल रिवोल्यूशनरी काम होगा। लोकसभा में बुधवार को कांग्रेस ने सरकार पर दिल्ली चुनाव के मद्देनजर विधेयक को जल्दबाजी में लाने का आरोप लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुलाई में सुरक्षा मुद्दों को लेकर दिल्ली में ई रिक्शा पर रोक लगाई थी। इसके बाद से ये दिल्ली में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी अगर इसी सत्र में यह बिल पारित कराने में कामयाब होती है तो उसे दिल्ली चुनाव में इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन राज्यसभा में गतिरोध के मद्देनजर इस बिल को पारित कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। आतंकवाद से लड़ने की प्रतिज्ञा के एक दिन बाद ही पाकिस्तान का दोहरा रवैया सामने आ गया। इस्लामाबाद की एक अदालत से 26/11 मुंबई हमले के सरगना जकीउर रहमान लखवी को जमानत मिल गई। भारत ने साफ कर दिया है कि वो इस मसले को पाकिस्तान के साथ कड़ाई से उठाएगा। भारत की मांग है कि जमानत के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाए। इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधक अदालत ने 26/11 मुंबई हमले की साजिश रचने वाले जकीउर रहमान लखवी को गुरुवार को जमानत दे दी। बुधवार को वकीलों की हड़ताल के बावजूद उसने जमानत अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान गुरुवार को संघीय जांच एजेंसी के वकीलों ने जमानत का विरोध भी किया, लेकिन जज ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। भारत में इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। और मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के सरकार के द्वारा कोई पैरवी में या तो कमी रही हो अथवा कोई अन्य कारण हो, लेकिन भारत सरकार के द्वारा पर्याप्त इविडेंसेस पाकिस्तान गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए गए। जो भी न्यायपालिका की व्यवस्था है वो उनकी है, उस मुल्क की, लेकिन हमारे हिसाब से जो प्रमुख एक्यूज रहा है 26/11 की, जो मुंबई के अंदर आतंकवादी अटैक हुई,
उनको इस तरीके से रिहा करना हम समझते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई मदद नहीं करेगी, उल्टा ही साबित होगा। पेशावर हमले के एक दिन बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दक्षिण एशिया को आतंकवाद से मुक्त कराने का वादा किया था, लेकिन लखवी को जमानत मिलने के बाद पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को निर्देश दिया है कि वो इस मामले पर कड़ा जवाब तैयार करें और पाकिस्तान के साथ इस मसले को उठाए। द ग्रांट ऑफ बेल टू लखवी विल सर्व एज अ रीअश्योरेंस टू टेररिस्ट हू परपेचुएट हीनियस क्राइम्स। वी कॉल अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू इमीडिएटली टेक स्टेप्स टू रिवर्स दिस डिसीजन। दरअसल लखवी समेत सात आरोपियों पर पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत में 2008 मुंबई हमले का मामला चल रहा है। हमले में 166 लोग मारे गए थे। हमले के वक्त लखवी प्रतिबंधित लश्करे तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर था। भारत मुकदमे की धीमी सुनवाई का मामला भी लगातार उठाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेशावर हमले के बाद पाकिस्तानी फौज ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कबायली इलाकों में कार्रवाई करते हुए फौज ने 57 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया। फौज के इस कार्रवाई में अफगानिस्तान ने भी सहयोग का भरोसा दिया है। इस बीच तालिबान के 16 कमांडरों के खिलाफ पेशावर हमले मामले में FIR दर्ज कर ली गई। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में तालिबान की बर्बर कार्रवाई की जांच शुरू हो गई है। जांच एजेंसी के सदस्यों ने गुरुवार को स्कूल का दौरा कर सबूत जमा किए। सेना की विशेष टीम इसमें मदद कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के IG नसीर दुर्रानी ने कहा कि इस जांच का मकसद आतंकवादियों के मददगारों का सुराग ढूंढना है। We are trying to find out their facilitator, we are trying to find out their sleeper cell, वो जहां कहीं भी हैं, चाहे वो पिशावर में है या किसी और जगहों के ऊपर है। तो आई एम श्योर विद अभी जिस तरीके के साथ हमने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, we will inshallah find out also. हमले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में आतंकवादियों पर पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी इलाके में फिदायीन हमलावरों को ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तानी फौज ने आतंकवादियों के ठिकानों पर 20 हवाई हमले किए। इनमें कम से कम 57 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने बुधवार को आतंकवादियों के खिलाफ एक सप्ताह में राष्ट्रीय योजना बनाने का ऐलान किया था। मंगलवार को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 आतंकवादियों ने स्कूल में हमला कर 132 बच्चों समेत 148 की जान ले ली थी। भारत समेत दुनिया भर में इस हमले की तीखी आलोचना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अब तक के सबसे वजनी और अगली पीढ़ी के रॉकेट JSLV Mark 3 का आज सफल प्रक्षेपण किया। इसके साथ ही क्रू मॉड्यूल का भी टेस्ट सफल रहा, जिससे आने वाले दिनों में भारत भी लोगों को अंतरिक्ष में भेज सकेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों को बधाई दी। मंगलयान की कामयाबी के बाद देश ने अंतरिक्ष में एक और छलांग लगाई। पूरी तरह से स्वदेश निर्मित रॉकेट JSLV Mark 3 को इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत इससे दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया है जो अंतरिक्ष में बड़े सैटेलाइट भेजने की काबिलियत रखते हैं। इस कामयाब परीक्षण की जानकारी इसरो निदेशक के राधाकृष्णन ने दी। Of the two solid stages S-200 as well as the liquid core stage L-110 was as expected. इसरो का दावा है कि अब तक का ये सबसे भारी रॉकेट है। JSLV Mark 3 का वजन 630 टन है। इसकी ऊंचाई करीब 42 मीटर है और यह करीब 4 टन का वजन ले जाने में सक्षम है। JSLV Mark 3 को बनाने में 155 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस प्रक्षेपण के साथ ही इसरो ने इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने वाले क्रू मॉड्यूल का परीक्षण भी किया, जिसके बाद मानव रहित क्रू मॉड्यूल पैराशूट के जरिए बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतारा गया। We also had another experimental module in this mission, that is the unmanned crew module. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। वहीं लोकसभा स्पीकर ने भी सदन में वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि का जिक्र किया। यह सभा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकविदों को समर्पित दल को इस मिशन को सफल बनाने पर अपनी बधाई देती है।
इसी साल 5 जनवरी को GSLV D5 से GSAT 14 को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की काबिलियत फिलहाल सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन के पास है। GSLV MK3 के प्रक्षेपण का मकसद इनसेट 4 जैसे भारी संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 54 साल से एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे अमेरिका और क्यूबा ने दोस्ती की एक नई पहल की है। दोनों देशों ने राजनयिक रिश्ते बहाल करने का फैसला किया है। 16 साल से अमेरिका की जेल में बंद क्यूबा के 3 नागरिकों की देश वापसी दोनों देशों के रिश्तों में नई शुरुआत है। अमेरिका के इस कदम के जवाब में क्यूबा ने भी 5 साल से जेल में बंद अमेरिकी नागरिक एलन ग्रास को रिहा किया। राष्ट्रपति बराक ओबामा की क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो से टेलीफोन पर की गई बातचीत के बाद रिश्तों को सामान्य बनाने का फैसला हुआ। दोनों देशों ने अपने अपने दूतावास खोलने का भी ऐलान किया है। Forward, the United States will re-establish an embassy in Havana, and high-ranking officials will visit Cuba, where we can advance shared interests. Al reconocer que tenemos profundas diferencias, fundamentalmente en materia de soberanía nacional. अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने क्यूबा के साथ रिश्तों को एक नए अध्याय की संज्ञा दी है। हालांकि क्यूबा पर लगे कई तरह के अमेरिकी प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म नहीं किए गए हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के मुताबिक अगर क्यूबा अपनी नीतियों में बदलाव लाता है तो बाकी प्रतिबंधों को हटाया भी जा सकता है। दिस न्यूज इज वेरी पॉजिटिव, नॉर्मलाइज देयर बायलैटरल रिलेशंस। इन दैट रिगार्ड आई हार्टली वेलकम today's development. अमेरिका क्यूबा के बीच रिश्तों की बहाली का भारत ने भी स्वागत किया है। 1959 की क्रांति के बाद क्यूबा को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में भारत भी शामिल रहा है, और क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध हटाने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र में पैरोकारी भी करता रहा है। पिछले साल उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की क्यूबा यात्रा के दौरान ये गर्मजोशी देखने को भी मिली थी। बहरहाल दोनों देश कूटनीतिक संबंध बहाल करने को राजी हो गए हैं, लेकिन 50 सालों से चले आ रहे मतभेद के खत्म होने में वक्त लग सकता है। क्यूबा पर लगी आर्थिक पाबंदियों को खत्म करने के लिए उन्हें अमेरिकी कांग्रेस का समर्थन हासिल करना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर भारत में बर्फबारी और शीतलहर का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी पारा और लग गया। लेह में न्यूनतम तापमान 0 से 14 डिग्री नीचे और राजस्थान के चुरू में पारा 3.7 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार बर्फबारी और शीतलहर ने उत्तर भारत के राज्यों में रोजमर्रा के कामों में परेशानियां बढ़ा दी हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात बने रहेंगे। आने वाले समय में जो एक हफ्ते तक जो मौसम साफ रहेगा, जो दिन का तापमान है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, और जो रात का तापमान है उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के अलावा मैदानी हिस्सों में भी सर्दी का प्रकोप जारी है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली NCR में कोहरे से हवाई और सड़क यातायात पर बुरा असर पड़ा है। देश भर में कोहरे से 52 ट्रेन निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। इससे मुसाफिरों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हमें जबलपुर से लेके सतना जाना था, 3 घंटे लेट हो गई थी, तो जो जर्नी हम 2 घंटे में कर पा रहे वो 5.5-6 घंटे में हुई है। उत्तर प्रदेश में आगरा और मुजफ्फरनगर का इलाका सबसे ठंडा रहा। दोनों ही जिलों का न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इससे खुले आसमान के नीचे रहने वालों की मुसीबत बढ़ गई है। रिक्शा चलाते हैं, फुट पर रहते हैं, और ठंडा इतना हो गया है कि बाजार भी मंदा हो गया है। मजदूर आदमी है, किसी तरह गुजर कर रहे हैं। मध्य भारत और पूर्वी भारत के कई इलाकों में भी सर्दी का प्रकोप जारी है। ओडिशा के कंधमाल जिले में तेज शीतलहर चल रही है, जिससे वहाँ पारा लुढ़क कर 0 से 5 डिग्री नीचे आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं कुछ और अहम और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।
कुपवाड़ा में सेना ने मुठभेड़ के दौरान एक अज्ञात आतंकवादी को मार गिराया। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह सेना को कुपवाड़ा के सालकोट इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद से सेना की ओर से इलाके में सर्च अभियान चलाया गया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन 5 के ऊपर पुलिस की ओर से इनाम रखा गया था। आंध्र प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत में सदन की ओर से पाकिस्तान के पेशावर में हुए बर्बरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। सभी सदस्यों ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। श्रीलंका की एक अदालत ने तमिलनाडु के 38 मछुआरों की रिमांड 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इन मछुआरों को इसी साल सितंबर-नवंबर में श्रीलंकाई जल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हिरासत में लिया गया था।